ओए बबलू क्या कर रहा है? गाड़ी को आज लगा रहा है, जबान लगा रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या हो गया दानिश, पागल तो नहीं हो गए? अरे कार ये तो आई है, कौन सा मलके बरतानिया का ताज आ गया है तुम्हारे पास जो इतने नखरे दिखा रहे हो? अरे ओ खाला, जब तुम्हारा शौहर लेकर आएगा ना गाड़ी, तो उसको हाथ मुंह कान नाक जबान भी लगा देना भले, मुझे क्या भाई। मेरी गाड़ी को कोई हाथ लगा ना बुरा लग जाएगा, मुझे बहुत बुरा होगा फिर तुम्हारे बच्चे के साथ। चुप हो, वो बहुत बुरा हुआ, मैं बदल नहीं सकती उसे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती। सबकी फिक्र है ना, अपनी फिक्र है सवाई मेरे। रानिया अगर तुम आज यहां से हिली ना, तो पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा और फिर खुद को। ठीक है, आज आर शापार, आज फैसले का दिन। फैसले तुम्हारी तारीख से तलाक या मेरी मौत। बन गई आज की तूने दी है ये कैसी सजा। असल खुशी तो ये है कि आप मेरी मोहब्बत के रंग में रंग गए। देख लो, तुम्हारी मोहब्बत का मान रखा है सुल्तान ने। मुझे वो लम्हा बताओ जब तुम्हारा दिल मेरे लिए पहली दफा धड़का। जब आप मेरी नजरों के सामने आए तब तब मेरे दिल को आप अच्छे लगे। मोहब्बत सजा बन जाएगी हम। आपने मेरे दिल की सारी बातें तो पूछ ली, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तुम बहुत फरमाबरदार हो, शायद इसीलिए मेरी बेहतरीन चॉइस बन गई, लेकिन तुम्हारे हाथ अगर थोड़े से प्यारे होते ना, तो ये कड़े तुम्हारी कलाई पर खिलते। इतना तो मैं समझ गई हूँ आपको। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। वक्त आप उन्हीं के लिए निकालते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। अब इतना आसान थोड़ी, पूरा का पूरा सुल्तान मिल गया। सुल्तान, उसकी मोहब्बत पाने के लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़े। अपनी बात को संभालते संभालते खुद रोना शुरू किया। अपनी किस्मत पे रो रही हूं। इतने अरसे बाद, इतनी कोशिशों से, मुश्किलों के बाद अपनी अम्मी को ढूंढा। और जब अम्मी मिल गई तो अफसोस है कि वो मुझे गले लगाने को तैयार नहीं। तुम खुद क्यों नहीं सोचते हो कि दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने दिल का टुकड़ा उठा के किसी और के हवाले कर दे? जैसी माँ, ये सब कुछ आपने किया, सिर्फ आप। हाँ मानती हूँ किया, लेकिन कभी तुम्हें अपनी आंखों से उजल तो नहीं होने दिया ना? और क्या तुम ये भी जानते हो कि उरूज के वालदैन उसके हकीकी वालदैन नहीं है? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैंने तो उरूज की मदद की थी उसके वालदैन को ढूंढने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है। अरे जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो वो उरूज है, महरीन की गुमशुदा बेटी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। परवरदिगारा बस आपकी और इस घर की खुशी चाहती हूँ। बहुत इंतजार था मुझे अपाना और पामीर की शादी का, लेकिन आप लोगों ने अभी तक तारीख ही नहीं तय की।
तारीख मारी क्या तय करना है? हम पापा से बात करेगा, शादी का रस्म करवाते। तुम जो फैसला करोगे बिल्कुल ठीक करोगे, लेकिन जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। ये तुम भी जानता है कि बादल खान यहाँ नहीं। हाँ जानता है, मगर उसका माँ तुम्हारा पास है। अच्छा तो उसने क्या, जिसने वक्त पे हमें खबर दे दी। वक्त पे किसने खबर दी हमारा? जम्बा ने। दुश्मन कैसे बच गया परलास? इस बात का दुख तो मुझे भी है बाबू, किसी ने छुप कर फायरिंग किया। चाहिए रख लो। ये क्या है? अब तुम मुझसे सवाल जवाब भी करोगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मम्मी, लेकिन बताए तो सही, है किस लिए? मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारी शादी पर तुम्हें तोहफा नहीं दिया, इस बात का मुझे दुख है। अरे लातादाद मैसेजेस का जवाब ना दो, और मैं तुम्हें ये भी ना दिखाऊं कि मेरी पहुंच कहां तक है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। फोन की बात है तो मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी, चले जाओ प्लीज। अच्छा गजब तो मत करो, जानती भी हो ये नमकीन आंसू देख के पिघल जाता हूँ। इस बार दो टोक बात हो, लंबा चौड़ा तकाजा नहीं है। और हाँ, इस बार तुम्हें गेट की इस साइड पे हूँ, अगली बार मैं गेट की उस साइड पे। मैं तो ये समझता था कि डैडी मिट्टी को सोना बनाने का हुनर जानते हैं। एक मैनुअली से कॉन्ट्रैक्टर थे वो, बिजनेस चलाने का कोई मयार होता है, कोई असूल होते हैं। यहाँ तो अंधी नगरी मची हुई है। ना होगा।